नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है विमुद्रीकरण, जिसे डीमोनिटाइजेशन भी कहा जाता है। आओ दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है डीमोनिटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। अब क्वेश्चन आता है कि विमुद्रीकरण क्या है, क्योंकि अभी भी एग्जाम में लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि डीमोनिटाइजेशन क्या होता है यानी विमुद्रीकरण क्या होता है। पहले आपको कॉमनली इसके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपको समाज से रिलेटेड क्वेश्चन इसके बताऊंगा कि क्या विमुद्रीकरण यानी डीमोनिटाइजेशन सही था या ये गलत एक डिसीजन था। सबसे पहले एग्जाम के लेवल के अनुसार देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने से पुटअप किया जाएगा ये विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपने से पुटअप किया जाएगा अब तक भारत में कितनी बार हो चुका है विमुद्रीकरण यानी डीमोनिटाइजेशन। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत में यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, इसका क्या कारण था कि विमुद्रीकरण हुआ, ये पहली बार किसके द्वारा बताया गया था कि विमुद्रीकरण कोई चीज होती है और इससे लाभ हुआ या नुकसान। देखते हैं आज कि ये क्या चीज है। सबसे पहले विमुद्रीकरण यानी डीमोनिटाइजेशन क्या है, व्हाट इज द डीमोनिटाइजेशन, कि विमुद्रीकरण क्या है। देखो दोस्तों, कोई देश होता है, उस देश की अपनी एक करेंसी होती है यानी मुद्रा होती है, लेकिन वो देश अगर इस करेंसी को कानूनी रूप से यानी लीगली रूप से बंद कर देता है और बंद करके इसको चेंज कराने के लिए यानी जो पुरानी मुद्रा हो चुकी है जिसे अपन बंद कर चुके हैं उसे नई मुद्रा में यानी न्यू करेंसी में चेंज करने के लिए एक समय दिया जाता है, एक फिक्स टाइम दिया जाता है, एक महीना, डेढ़ महीना या दो महीने का, कि आपके पास जितना पुराना पैसा है इसको न्यू करेंसी में चेंज करा सकते हो। यह समय फिनिश होने के बाद में, समाप्त होने के बाद में जो ये पुरानी मुद्रा होती है ये एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है, ये किसी काम की नहीं रहती। इसी ही प्रोसीजर को विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये डीमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण क्या है। किसी देश में कोई करेंसी चलती रहती है, मुद्रा चलती रहती है, सरकार कहती है अब ये मुद्रा नहीं चलेगी, तो क्या इस मुद्रा को फेंक दूं जो मैंने इतनी मेहनत से कमाई, तो सरकार कहती है ना इसे फेंको नहीं, इसे न्यू करेंसी से चेंज करवा लो। तो एक फिक्स ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने दिनों में आप चेंज करा लो, अगर मैंने चेंज करा लिया तो न्यू करेंसी मेरे पास आ जाएगी और मेरा काम चलता रहेगा, नहीं चेंज कराया फिर ये कागज का टुकड़ा है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। इस प्रोसीजर को विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन कहा जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन, जब किसी देश के द्वारा पुरानी करेंसी को बंद कर दिया जाता है लीगली रूप से, कानूनी रूप से, तथा नई मुद्रा चला दी जाती है और पुरानी मुद्रा को ट्रांसफर करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, नई करेंसी में बदलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, इस पूरे प्रोसीजर को विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस विमुद्रीकरण को बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में पहली बार डीमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण के बारे में बताया गया था, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी विमुद्रीकरण के बारे में बताया गया है। आपसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है भारत में पहली बार डीमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, चाणक्य, और चाणक्य ऑप्शन ना हो तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनिटाइजेशन कितनी बार हो चुका है, अब तक भारत में तीन बार हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसके क्वेश्चन टू टाइप से होते हैं। पहला क्वेश्चन, अब तक भारत में कितनी बार हो चुका है, अब तक भारत में तीन बार हो चुका है, लेकिन अब तक स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी बार हो चुका है, दो बार हो चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है,
भारत में डीमोनिटाइजेशन कितनी बार हो चुका है? 3 बार। लेकिन स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी बार हो चुका है? 2 बार। कैसे? पहली बार विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन हुआ था भारत में 1946 में, 1946 में। तब अपने भारत देश में एक 500 रुपए का नोट चला करता था, 1000 रुपए का नोट चला करता था और 10,000 रुपए का नोट चला करता था, जिनको बंद कर दिया गया था। लेकिन 1946 तक भारत देश आजाद नहीं था, एक परतंत्र गुलाम देश था। इस कारण इसे भारत का विमुद्रीकरण कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत का विमुद्रीकरण नहीं कह सकते। स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण और भारत का दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में, 1978 में, जब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की उस समय पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी या जनता दल। इनके द्वारा कौन कौन से नोट बंद किए गए? उस समय भारत के 1000 रुपए का नोट, 5,000 रुपए का नोट और 10,000 रुपए के नोट को बंद किया गया था। यह भारत का दूसरा विमुद्रीकरण और स्वतंत्र भारत का पहला डिमोनिटाइजेशन कहलाएगा। भारत का तीसरा और स्वतंत्र भारत का दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ? यह हुआ 8 नवंबर 2016 को। इस समय भारत देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यह है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इनकी पार्टी का नाम है भाजपा। इनके द्वारा कौन कौन से नोट बंद किए गए? इनके द्वारा 500 रुपए व 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया। इस प्रकार से भारत में अब तक 3 बार, लेकिन स्वतंत्र भारत में अब तक 2 बार डीमोनिटाइजेशन हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ, कब कब हुआ, किनके द्वारा किया गया, किस पार्टी के द्वारा किया गया, कितने नोटों पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ऐसी कौन सी पोजीशन आ गई थी कि विमुद्रीकरण करना पड़ा? ऐसी कौन सी पोजीशन आ गई थी कि 1,30,00,000 लोगों को परेशान किया गया? उस पोजीशन का नाम है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक व बैंकों का बैंक एंड बैंकों का पिता कहा जाता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि भारत में जो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट हैं, ये 100% में से मार्केट में केवल 24% है। यानी जनता के बीच में केवल 24% ही 500 और 1000 के नोट है, जबकि 76% जो 500 और 1000 के नोट है, ये ब्लैक मनी के रूप में यानी काला धन के रूप में जमाखोरों के पास जमा है। कुछ उद्योगपति, कुछ अमीर लोगों की तिजोरियों में पड़े हुए हैं, इनको कैसे जैसे भी वापस मार्केट में लाना चाहिए, जिससे ब्लैक मनी समाप्त हो सके, काला धन समाप्त हो सके। तो इस कारण इन तिजोरियों से या इन उद्योगपतियों के घर से ये 76% 500 और 1000 रुपए के नोट निकालने के लिए जो प्रोसीजर चलाया गया, वो भाजपा सरकार का स्टेटमेंट था विमुद्रीकरण। ये विमुद्रीकरण सही था या गलत था, उसको अभी अपन देखते हैं। लेकिन अभी तो केवल अपने को ये देखना है कि अपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो अपने को पास या फेल कराएंगे। वो तो एक सामाजिक प्रोसीजर रहेगा कि अपन बता सकेंगे कि ये सही डिसीजन था या गलत। लेकिन अपने एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज द डिमोनिटाइजेशन, ये विमुद्रीकरण क्या है। नॉर्मल सी बात, किसी सरकार के द्वारा अपनी करेंसी को कानूनी रूप से बंद कर देना और नई करेंसी चला देना विमुद्रीकरण कहलाता है। पुरानी करेंसी को नई करेंसी में चेंज करने के लिए एक समय दिया जाता है, यानी पुरानी करेंसी बंद करना, नई करेंसी चालू करना, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुद्रीकरण किसके द्वारा बताया गया? चाणक्य के द्वारा और भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत में विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है? 3 बार। और स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी बार हो चुका है? 2 बार। पहली बार विमुद्रीकरण हुआ 1946 में, 1946 में 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद किया गया था।
दूसरी बार डिमोनिटाइजेशन विमुद्रीकरण किया गया 1978 में, जब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, जिनकी पार्टी का नाम था जनता दल जनता पार्टी, इनके द्वारा 1,000, 5,000 व 10,000 के नोटों को बंद किया गया। सबसे लेटेस्ट विमुद्रीकरण भारत का तीसरा, स्वतंत्र भारत का दूसरा डिमोनिटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाजपा दल के द्वारा 500 व 1,000 के नोट को बंद करके तीसरा विमुद्रीकरण किया गया। ये क्यों किया गया? आरबीआई के स्टेटमेंट के कारण, क्योंकि आरबीआई के द्वारा कहा गया भारत के 500 और 1,000 के नोटों में लगभग 76% मार्केट में नहीं है, वो किसी जमाखोर की तिजोरी में पड़े हुए हैं। ये जितने भी नोट हैं इनका 24% ही मार्केट में चल रहा है, तो 76% को वापस मार्केट में लाने के लिए जो प्रोसीजर चलाया गया उसे विमुद्रीकरण कहा गया। अब देखते हैं दोस्तों, इस डिमोनिटाइजेशन से अपने को लाभ हुआ है या हानि हुई है, वो आप खुद देखोगे एक बार सामने। अब देखते हैं अपन विमुद्रीकरण यानी डिमोनिटाइजेशन के लाभ और हानि, जो अपने सामाजिक रूप से काम आते हैं, या कोई रिटन एग्जाम कभी देना पड़ा, चाहे वो आरएस हो, आईएएस हो, या किसी भी कमांडर लेवल का कोई एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन अपने आएगा कि डिमोनिटाइजेशन से भारतीय जनता को क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। देखते हैं विमुद्रीकरण के लाभ और हानियां। लाभ, सबसे बड़ा लाभ हुआ ब्लैक मनी का नष्ट होना, काले धन का नष्ट होना। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये ब्लैक मनी होती क्या चीज है, काला धन होता क्या चीज है? वह पैसा जो अपने पास है लेकिन सरकार को पता नहीं है, उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। ब्लैक मनी कैसे, जस्ट सपोज दैट एक पर्सन है, वो लाख रुपए पर मंथ कमाता है, लेकिन अकाउंट में केवल 30,000 रुपए मंगाता है, बाकी 70,000 रुपए ऑन कैश डिलीवरी लेकर अपने घर पर रख देता है। तो सरकार जो भी टैक्स लगाएगी वो 30,000 रुपए पर लगाएगी, क्योंकि सरकार को यह पता ही नहीं है कि 70,000 रुपए अदर भी कमाता है। अब वो 70,000 जोड़ता हुआ चलता है। आप खुद सोचो कि अगर वो 12 महीने तक भी 70,000 रुपए जोड़ता है तो नए करते हुए उसके पास 7 या 8 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर इसी तरह मैं करेंसी थोड़ी ज्यादा बढ़ाऊं 2-3 लाखों में, तो उसके पास एक थमा पूंजी हो जाएगी, ज्यादा पूंजी हो जाएगी। फिर ये पूंजी का यूज कहां करेगा, क्योंकि सरकार को तो पता नहीं है, सरकार के सामने ला नहीं सकता। सरकार के सामने लाएगा तो सरकार इससे प्रश्न करेगी कि इतना पैसा कहां से आया। तो इसका यूज किया जाता है फिर हिंसा में, आतंकवाद में, किसी भी तरीके से तस्करी में या अपराध में। फिर इसी पैसे का लालच देकर किसी व्यक्ति से अपराध करवाया जाता है, आतंकवाद करवाया जाता है, हिंसा करवाई जाती है, तस्करी करवाई जाती है, ऐसे गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं जो अपने समाज में जिंदा रहने के लिए मुश्किल कर देते हैं। इस कारण सबसे बड़ा काम हुआ काला धन, ब्लैक मनी नष्ट हुई, जिससे समाज कुछ हिंसा मुक्त हुआ है, कुछ अपराध मुक्त हुआ है, जिससे अपराधियों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि किसी व्यक्ति से अपराध करवा सके। सबसे बड़ा काम। दूसरा, टैक्स। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिन जिन का पैसा घर पर रखा हुआ था जमा, उन्होंने उसको चेंज कराने की कोशिश की। जैसे उन्होंने चेंज कराने की कोशिश की, सरकार के सामने पैसा गया और सरकार ने उस पर टैक्स लिया, तो सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा टैक्स गया। अब बात होती है कि सरकार के पास अपने पैसों का टैक्स गया है, यह तो सरकार का प्रॉफिट हुआ, अपने को क्या मिला? नेक्स्ट, भारत की मूलभूत विकास, भारत का मूलभूत विकास यानी बेसिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का मूलभूत विकास हुआ है। क्योंकि देखो दोस्तों, पहले सपोज दैट अपन मानते हैं कि सरकार के पास अपने टैक्स से 100 रुपया जा रहा था, तो सरकार अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए 100 रुपया खर्च कर रही थी। अपन मान लेते चलो 80 रुपया खर्च कर रही थी, 20 रुपया रख लिया, तो 100 रुपये से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकती। लेकिन अब की बात, अगर अपना टैक्स गया 1,000 रुपए, तो गारंटेड है ये 900 रुपए तो खर्च करेगी, यानी पीछे से 9 गुना ज्यादा डेवलपमेंट अपना होगा।
क्यों? सरकार के पास जब तक पैसा नहीं जाएगा सरकार लगाएगी कहां से? अपन तुलना तो करते रहते हैं अदर कंट्रियों से कि बुलेट ट्रेन नहीं है, स्वच्छता नहीं है, विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो तो सही वहां की जनता कितना टैक्स देती है, वहां की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम कितनी शानदार है। तो उसके आधार पर जितना ज्यादा सरकार के पास टैक्स जाता है उतना ही सरकार अपने डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। नंबर चार, जनता के पास पैसा, जनता की जेब में पैसा आया है। अब जनता की जेब में कैसे पैसा आया? देखो दोस्तों, पहले क्या होता था कि 500 और 1000 रुपए के जितने भी नोट होते उनमें केवल 25% मार्केट में रहता, 75% सब अपनी अलमारियों में जचा कर रखते थे। अब की बार क्या हुआ, वो 75% वापस खींच कर जनता ने यानी सरकार ने जनता के बीच में फेंक दिया है। अब जनता के बीच में कैसे फेंका? उन्होंने अगर पैसा जमा कराया है और नया पैसा लिया है तो सरकार की नजरों में आया है, जनता के बीच में ही आया है। तो पहले देखो दोस्तों, अपने पास 75% जो 25% पैसा था वही था। तो सपोज दैट मैं मानता हूं कि 5 लोग हैं और 25% इनके पास पैसा है, तो पहले 5 रुपए हुआ करते थे। अगर अब ये ही 75% भी मानता हूं तो इसका मतलब अब इनके सबके पास 15 रुपए है। अगर मैं पूरा 100% इसको मान लेता हूं तो यानी अब इनके पास 20 रुपए है। तो जितना ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा जाएगा तो पब्लिक की जेब में ही। तो सबसे खास बात, जनता के पास इससे पैसा आएगा, जनता के पास इससे धन का वृद्धि होगी या धन ज्यादा होगा। पांचवा जो इससे सबसे बड़ा लाभ हुआ है, सस्ती टैक्स दर। बैंकों के द्वारा सस्ती टैक्स दरें की जाएंगे। सस्ती टैक्स दर कैसे की जाएगी? पहले क्या होता था कि बैंकों में पैसा कम जमा होता था तो बैंकों के पास कम पैसा होता तो उन पर वो पैसा कमाने की कोशिश करते। अब बैंकों में ज्यादा पैसा जमा होगा तो ये उन सभी पैसों पर थोड़ी कम टैक्स रेट में भी मार्केट में पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से टैक्स जो बैंक है लोन देते थे वो शायद अब की बार सस्ती दरों पर लोन अपने को प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट जो लाभ हुआ उसका नाम था कैशलेस करेंसी। अब की बार का सबसे बड़ा और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बदलाव का जो पोजीशन लाया उसका नाम था कैशलेस करेंसी। क्या हुआ कि सबके जेबों में जब तक कैश रहता था सब ओन कैश काम किया करते थे, सबका पैसा ही सरकार के द्वारा ले लिया गया तो सबके बैंक के खातों से काम होने लग गए। पहले पेट्रोल लेने जाते थे तो बैंक जेब में कम से कम 500-100 रुपए होने चाहिए थे, आजकल कोई काम नहीं होता, एटीएम कार्ड से सब कुछ काम हो जाते हैं। पहले अपन कोई भी पेन खरीदने जाते, कॉफी खरीदने जाते, पैसा होना चाहिए था। पेटीएम, पता नहीं कितने ऐसे चला दिए गए ऐप जिनके द्वारा अपन अपने आप ही काम कर लेते हैं। तो कैशलेस करेंसी से पूरा काम हुआ है, बैंकों के द्वारा ट्रांसफर पूरा काम होता है तो सरकार की नजर में एक एक रुपया रहता है और इससे ब्लैक मनी बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने अपने घर पर पैसा छुपाया है, क्योंकि सारा काम ऑन कैश होने लग गया, यानी कैशलेस करेंसी हो गई। बैंकों के या ऐप या डाटा के द्वारा सारा काम होने लग गया है, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कैशलेस करेंसी। सातवां जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, नकली नोट बंद। यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है नकली नोटों का। पहले क्या होता था, जो भी नोट चलते रहते उनके सेम टू सेम कॉपी मार्केट में चला दिया जाता था कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो नकली नोट हुआ करते थे, पहचानने भी नहीं आते थे कि नकली है या असली है। क्लियर? तो जैसे एकदम से पैसा बंद किया गया तो उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि नकली नोट वो छापते होंगे कि 1 लाख की डिमांड है भाई 1 लाख छाप कर दो, 2 लाख की डिमांड है, वो गड्डियों की गड्डियां बनाकर रखते हैं जिन्हों को वो अपने कारखानों में या गोदामों में छुपा कर रखते हैं। एकदम से पैसा खत्म हुआ, वो पैसा ही चलना बंद, तो नकली नोट कहां से चलेगा? गोदाम के गोदाम रद्दी कागज हो गए उनके। तो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ नकली नोटों का बंद होना। आठवां जो परिवर्तन हुआ वो हुआ चुनाव का खर्चा। जब लोगों के पास पैसा पड़ा रहता था तो चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च किया करते थे, शराब की बोतलें बांटना, किसी प्रकार से ड्रग्स का बांटना, किसी प्रकार पैसों को बांटना, पैसे देकर वोटों को खरीदना। पैसा ही नहीं बचा, खरीदेंगे कहां से? जब अभी हो गया, जिसमें एबिलिटी रहेगी वो लीडर बनेगा, जिसमें क्वालिटी रहेगी वो लीडर बनेगा। कोई किसी भी तरीके से खरीद फरोख करके अब चुनाव नहीं जीत पा रहा है,
कुछ समय तक आगे देखेंगे क्या पता क्या हो, वापस नकली नोट बन जाए क्या हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन लाभ को देखते हुए डीमोनिटाइजेशन किया गया है, विमुद्रीकरण किया गया है। तो क्या इससे लाभ ही हुए हैं? हानियां नहीं हुई, हानियां भी हुई हैं। सबसे ज्यादा हानि हुई है पर्यटन क्षेत्र को, यानी टूरिज्म एरिया को। जो भी यहां पर पर्यटक आए थे उन्होंने अपने देश की करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, टक्का हो, पौंड हो, सबको अपने भारतीय करेंसी में चेंज करवाया था। उनको पता चल गया वो करेंसी बंद हो गई रातों रात ही, अब वो वापस बैंकों की लाइनों में लगे हुए हैं। और जो न्यू टूरिज्म आ रहे थे, पर्यटन आ रहे थे, उनको पता चल गया कि यार यहाँ की करेंसी अभी बदली है तो यहाँ पर अपने वो परेशानी होगी, यहाँ आ ही नहीं रहे और वो दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे हैं। इस तरीके से अपने टूरिज्म क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा दुखी हुई है भारतीय जनता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता कोई काम नहीं करती। भारतीय जनता के जो काम होते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं, किसी के पारिवारिक काम चलते रहते हैं, किसी के सांसारिक काम चलते रहते हैं, जैसे विवाह है, शादी है, अदर कोई काम है, बिजनेस है, वो सब कुछ है। सपोज दैट किसी के दो दिन बाद में शादी थी किसी के परिवार में, आज रात को सुना कि भाई करेंसी बंद हो गई, अब दो दिन बाद में शादी है तो कम से कम वो 10-20 लाख रुपए घर पर रखता है कि भाई शादी के सारे काम मेरे को करने हैं, पता चला 10 लाख ही बर्बाद। अब वो अचानक दो दिन में बैंकों से कहां से लाए, क्योंकि दूसरे दिन तो बैंकों में लाइनें लगी हुई थी 2-2 किलोमीटर लंबी। तो सबसे ज्यादा परेशान हुई भारतीय जनता, जिनके रातों रात ऐसे काम रुक गए जिससे उनकी जगहसाई हो सकती थी, उनको इतनी निंदा सहनी पड़ सकती थी, जो आज तक उनकी इज्जत कमाई सबको धो सकती थी। इस कारण सबसे ज्यादा परेशानी हुई इंडियन पब्लिक को, भारतीय जनता को। तीसरी परेशानी हुई जीडीपी को। जीडीपी का फुल नेम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भारत का सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद क्या होता है कि भारत के अंदर जो पैसा रहता है उसे घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, कि भारत में कितना पैसा है, कितना बिजनेस कर रहे हैं, उससे कितना कमा रहे हैं। डीमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण आपका पूरा पैसा ही खींच लिया कर गया, आप बिजनेस कहां से करोगे, और बिजनेस नहीं करोगे तो पैसा कहां से कमाओगे। इस कारण आपकी बार जीडीपी रेट सबसे कम रहने की बात हुई थी, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नीचे गिरने की बात हुई थी। नेक्स्ट, चौथा जो नुकसान हुआ वो था विदेशी बैंक में जमा धन। अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा जाता है कि विमुद्रीकरण, डीमोनिटाइजेशन से कोई खास लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के जितने भी जमाखोर थे, ये ऐसे व्यक्ति जो अपना पैसा सिक्योर घर पर छुपा छुपा कर रखते थे, इन्होंने लगभग अपना पैसा विदेशी बैंकों में जमा करा रखा था 90%। तो विदेशी बैंकों में जो पैसा है, अब चाहे उसकी आप रेट चेंज कर दो, उसको बदल दो, विदेशी बैंक तो उतना का उतना पैसा देगा लेटेस्ट करेंसी में जो वर्तमान में चल रही है। तो इनके द्वारा कहा गया कि भारत में पैसा ही नहीं था तो चेंज करने पे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा विदेशी बैंकों में था। अब होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक देखा जाए 2-3 चीजों में तो सबसे बड़ा बदलाव आया है, कैशलेस करेंसी और नकली नोट। कम से कम अपन ये तो मान सकते हैं कि अब नकली नोटों से कुछ समय के लिए छुटकारा मिलेगा और कैशलेस करेंसी होने के कारण ब्लैक मनी से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये कुछ विमुद्रीकरण के लाभ हुए, जैसे ब्लैक मनी का नष्ट होना, ब्लैक मनी के कारण हिंसा अपराध इनका नष्ट होना, टैक्स ज्यादा प्राप्त करना, टैक्स ज्यादा होगा तो भारत के डेवलपमेंट के लिए सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी, पब्लिक के बीच में फिर से पैसा आ जाएगा तो पब्लिक के पास पैसा रहेगा, बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक सस्ती रेट से अपने को लोन देंगे, कैशलेस करेंसी हो गई है, नकली नोटों से छुटकारा मिल गया है और चुनावों का अंधाधुंध खर्च समाप्त हो गया है। लेकिन इससे कुछ हानि हुई पर्यटन क्षेत्र को, जनता को, जीडीपी को, और कुछ कहा गया जो पैसा ही विदेशों बैंकों में है उसका भारत से क्या लेना देना। ये कुछ लाभ हुए हैं, कुछ हानि हुई है। देखो दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि लाभ ही लाभ हो और हानि हानि हो, लेकिन परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन नहीं होगा तो संसार नष्ट हो जाएगा, वो व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। जिस चीज में परिवर्तन हुआ है वो ही चीज बदलती और आगे तक चलती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, अपनी मातृभाषा संस्कृत भाषा। विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, विश्व की सबसे धुरंधर, सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली भाषा संस्कृत है। आज परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे की वैसे रूढ़िवादी चलती रही संस्कृत भाषा, आज देववाणी समाप्त है, कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाह रहा।
तो वही चीज है दोस्तों, परिवर्तन जरूरी रहता है, चाहे वो इकोनॉमी अर्थशास्त्र हो या कोई भी चीज हो, परिवर्तन होता रहेगा तो अपन भी डेवलपमेंट करते रहेंगे। अच्छा है या बुरा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मेरे अनुसार ये सही है, परिवर्तनशील संसार सही है और अब की बार सरकार भी सही है। धन्यवाद।